आगरा के रिच होम स्टे में एक महिला कर्मी के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला के साथ होम स्टे में ही काम करने वाले जितेंद्र राठौर नाम के शख्स ने अपने चार साथियों के साथ महिला को एक कमरे में बंद कर पहले तो जबरन शराब पिलाई और फिर गैंगरेप किया, तो विरोध करने पर महिला के साथ जमकर मारपीट भी की गई। महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए, लेकिन महिला को बचाने के बजाय लोग उसका वीडियो बनाने लगे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस महिला का रेस्क्यू किया और मौके से ही शराब के नशे में धुत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला कर्मचारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक एक महिला समेत पांच आरोपियों को अरेस्ट किया है, तो वही पूछताछ के बाद होम स्टे को बंद करा दिया गया है। घटना शनिवार देर रात की है। पुलिस ने महिला के परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी है। सूचना मिली थी कि बसई चौकी क्षेत्र के रिच होम स्टे में एक महिला के साथ दुष्कर्म व मारपीट की घटना हुई है। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़िता की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, मारपीट व अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में शामिल पांच अभियुक्त, जिसमें चार पुरुष व एक महिला है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, जितेंद्र राठौर नाम के शख्स ने अपने चार साथियों के साथ इस महिला को एक कमरे में बंद किया और जबरन शराब पिलाई और वही गैंगरेप भी किया। महिला ने विरोध किया और विरोध करने पर महिला के साथ जमकर मारपीट भी की गई। महिला किस तरीके से शोर मचा रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो लोग वहां पर खड़े थे वो उसकी वीडियो बना रहे थे। और जब पुलिस महिला रेस्क्यू के लिए वहां पर पहुंची, पुलिस को सूचना मिली तो मौके से ही जो शराब के नशे में धुत चार आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। महिला कर्मचारी को गंभीर हालत में फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।